राजस्थान में हाल ही में चार चरणों में हुए पंचायती राज चुनावों की आज मतगणना हो रही है। 21 जिला मुख्यालयों पर वोटों की गिनती चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर से पहले काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इन चुनावों में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 1,778 और पंचायत समिति के सदस्य के लिए 12,663 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया है। मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंचायती राज चुनाव के तहत प्रदेश के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के पद के लिए चुनाव हुए हैं। बाकी बचे 12 जिलों में कानूनी अड़चनों के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। नतीजों के बाद लगभग तय हो जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस में से किस पार्टी की पकड़ ज्यादा है। चुनाव परिणामों से पहले दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने सदस्यों की बाड़ा बंदी कर ली है। दोनों प्रमुख दल अपने अपने बागियों और मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधानों का चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव 10 और 11 दिसंबर को होंगे। 10 दिसंबर को जिला प्रमुखों और प्रधानों का और 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुखों और उप प्रधानों का चुनाव होगा।